क्वेश्चन है जेई एडवांस 2010 का। क्वेश्चन क्या है, इफ द एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ए बी सी डिनोट्स द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए बाई सी साइन टू सी प्लस सी अपॉन ए साइन टू ए इज इक्वल टू। देखो कन्वेंशनल तरीके से बुक में दे रखा है, हम देखो बहुत आसान तरीका बताते हैं, कोई भी लड़का इसको अप्रोच कर लेगा, बहुत फंडामेंटल नॉलेज रखेगा तब भी। आप देखो एबीसी कह रहा है एपी में, इतना ही गिवन कंडीशन है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान ले, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल माना है, सारे एंगल एपी में है, कॉमन डिफरेंस कितना है, जीरो है बस, और कुछ नहीं, कोई इसमें गलत नहीं है, ठीक है। और अगर इसमें भी किसी को कंफ्यूजन रखना है तो फिर एक एंगल मान लेना 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। जिसके पास समय फालतू का है वो ये मान के करना, जिसके पास समय कम है वो ये करना। अब आप देखो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिए तो आपसे पूछ रहा है ए अपॉन सी साइन टू सी प्लस सी अपॉन ए साइन ऑफ टू ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए और सी बराबर, सी और ए बराबर, ये कट के वन हो जाएगा, साइन टू सी कितना हो जाएगा 120 साइन 120 प्लस ये भी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन टू ए साइन 120 विच इज इक्वल टू 2 साइन 120 विच इज इक्वल टू साइन 120 कितना साइन 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 2 कॉस 30 विच इज इक्वल टू रूट 3। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह इसको सॉल्व करना है, ठीक है।